हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेवी रॉक्स। इन पोर्टुगीज लीग का मैच हो रहा है VIT वर्सेस FAM के बीच। आज 1:45 पे मैच और मैं कवर करूंगा, क्योंकि मैं रात को 2-3 बजे तक कवर करता हूं सारे मैचेस। तो बात करें, मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। गाइस, हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। बढ़ते हैं आगे, बात करें इस मैच की, VIT और FAM के बीच जो मैच हो रहा है, इसके अंदर मैं फेवर करूंगा VIT को, और VIT टीम को ही जीतना चाहिए भाई ये वाला मैच, क्योंकि VIT उनसे लाख गुना अच्छी है। आगे से अगर बात करें एंडरसन सिल्वा की, तो यहाँ पर दो हैं यार ये सिल्वा, मेरे को कंफ्यूजन हो रही है, बिकॉज इनका स्क्वाड में एंड्रे सिल्वा नाम आ रहा है। मैं कंफ्यूज हो गया हूँ कि कौन सा सिल्वा खेलने वाला है। सच्ची बताऊँ, मैं लाइनअप्स का वेट कर रहा हूँ अभी मैं लाइनअप चेक कर रहा था इनकी स्क्वाड, तो इनके स्क्वाड में दोनों का नाम एंड्रे सिल्वा आ रहा है, दोनों का। आप ढंग से एक में एंडरसन लिख दो, अब दोनों का एंड्रे मुझे पता नहीं कौन सा खेल रहा है, क्योंकि इस लीग के बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज तो है नहीं, क्योंकि ये साल में इसके कम से कम 50 मैच भी नहीं होते होंगे, वो भी ज़्यादा बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए बहुत ऊटपटांग हो रहा है, तो इन दोनों में से जो खेलेगा हम ले लेंगे। तो आप इसको मत छोड़ना, लर्स को, मैं पहले बता रहा हूँ, कहीं बोलो, कहीं ध्यान तो देते नहीं मेरी बात पे, साइलेंट करके सुनते रहते हैं, फिर उनको लगता है टीम गलत क्रिएट होगी। जो मैं बोल रहा हूँ सुन लो, कि एन लर्स को आपने लेना है। एंड आगे से बात करें केडाइल की, जूनियर केडाइल काफ़ी बढ़िया, नाम पे मत जाओ काम, देखो नाम जरूर जूनियर है, बट अच्छी अच्छी टीम्स की बैंड पे जाना जानता है, मीन्स गोल करना जानता है। और आगे से अगर बात करें, देन वी आर ट्राइंग जॉस लुइस रॉड्रिगुज एक बहुत ज़्यादा नॉर्मल प्लेयर है। कई लोग सोच रहे होंगे मैंने यूसेफ नहीं लिया, इसमें लूँगा, जरा मुझे टाइम दो, क्योंकि लाइनअप्स आने से पहले अपने आप को जज करना या किसी प्लेयर को जज करना गलत है, क्योंकि लाइनअप्स पता नहीं कि कौन खेलेगा कौन नहीं। अभी प्रॉपर लाइनअप्स आएंगी, फिर मैच दोबारा एनालाइज होगा, उसके बाद टीम क्रिएट होगी। तो अभी तो जस्ट आप समझ लीजिए कि इनका ये जो मैंने टीम बनाई है, सिर्फ जस्ट रिकॉर्ड के ऊपर है। अब टी सिल्वा का जहाँ तक रिकॉर्ड की बात आती, तो आप सबको पता है कि टियागो सिल्वा पेनल्टी लेता है, नहीं पता तो अब बता देता हूँ कि पेनल्टी यही लेगा अगर आती है, और विदाउट पेनल्टी गोल रेशियो 40% से कम है, जो कि बहुत लो है, लेकिन 40% भी है तो चलो ठीक है, हमने कौन सा, हम तो महीने में एक आध मैच कवर करते हैं इस लीग का, ठीक है। तो अगर वो दिन आज हो कि ये गोल करते, एंड कोलम्बेटो की बात करें, सैंटियागो कोलम्बेटो को लूँगा, सैंटियागो कोलम्बेटो इज़ अ नॉर्मल प्लेयर, एंड वी आर ट्राइंग दिस प्लेयर इन माई टीम, क्योंकि मैं यूसफ को नहीं ले रहा। एक्चुअली अगर मैंने यूसफ लेना होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। आगे से अगर बात करें एमरो की, देन एंड्रे अमारो वॉज डूइंग रेयर गोल्स, बहुत गोल्स कर रहा है, सो एक डिफेंडर है, डिफेंडर के लिए रेयर गोल बहुत काम की चीज़ होती है। एंड एम मागा की बात करें, यहाँ पर है मिगुअल मगा हो गया, उसके बाद आते हैं माइकल विलेनुवा, तो इसको हम लेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर्स हैं तीनों। एंड हमारा की प्लेयर नीचे से फिटस, तो अफोंसो फिटस की भी वेट चल रही थी कि लूँगा, तो आज ले ही लिया। एंड आगे से अगर बात करें एल रियस जूनियर की, लुइस रियस जूनियर एक नॉर्मल प्लेयर है, बट जैसे कि सामने जैसी टीम है, तो आज इसके इम्तिहान की घड़ी की कैसा खेलता है, क्योंकि आप छोटी टीम्स के खिलाफ गोल कीपिंग कर लोगे बिना प्रेशर के, लेकिन जब प्रेशर होगा ना तो फिर मुश्किल आएगी। तो लेट्स सी कि कैसा खेलता है VIT के खिलाफ। आगे से बात करें कैप्टन की, कैप्टन है ए सिल्वा, वाइस कैप्टन है टी सिल्वा, सो नाम एक होने से काम एक नहीं होगा। और अगर मैं आपको बता दूं कुछ चेंज करना है, तो कुछ ना कीजिए, वाइस कैप्टन आप एमरो को रख सकते, बहुत तगड़ा प्लेयर है, बाप है सच्ची में भाई, सामने वाली टीम का पूरा बाप है आज के मैच में एज अ डिफेंडर, बहुत बहुत अच्छा खेलता है, क्या बोलूँ, मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है। तो एमरो को ज़रूर आप ट्राई करना, एंड टी सिल्वा में से किसी एक को, एमरो के ज़्यादा चांसेस, अच्छे पॉइंट दे देखे इसके, अगर इसके 60% है तो उसके 40 होंगे। चलो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।